वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नॉलेज हब में। और आप सीखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के लेसन्स, और टॉपिक के अंत में, एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी एंड लाइक मी इफ यू लर्न एनीथिंग। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कुछ नेटिव स्पीकर्स और इंग्लिश और नॉन नेटिव्स में अंतर क्या होता है? जैसे आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट सून, अगर ये कहें कि आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट सून, नॉन नेटिव ये कहेगा, नेटिव कहेगा आई एम अबाउट टू ओपन अ रेस्टोरेंट। नॉन नेटिव क्या कहेगा? आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट सून। नेटिव कहेगा आई एम अबाउट टू ओपन अ रेस्टोरेंट। नॉन नेटिव कहेगा आई मेड अ सीरियस मिस्टेक। नेटिव कहेगा आई स्क्रूड अप मीन्स टू मेक अ मिस्टेक। नॉन नेटिव सेज आई मेड अ मिस्टेक, वाइल नेटिव सेज आई स्क्रूड अप। नॉन नेटिव सेज आई एम सरप्राइज टू मीट यू हियर, आई एम सरप्राइज टू मीट यू हियर, वाइल नेटिव सेज फैंसी मीटिंग यू हियर। नॉन नेटिव सेज आई हैवन्ट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, वाइल नेटिव सेज लॉन्ग टाइम नो सी। नॉन नेटिव सेज आई हैवन्ट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, वाइल नेटिव सेज नो लॉन्ग टाइम नो सी। नॉन नेटिव आई एग्री विद यू, नेटिव आई एम विद यू। नॉन नेटिव सेज आई एम एग्री विद यू, एंड द सेम सेंटेंस इज सेड बाय नेटिव लाइक आई एम विद यू, डोंट वरी आई एम विद यू। नॉन नेटिव आई विल पे दिस बिल, वाइल नेटिव इट्स ऑन मी। नॉन नेटिव आई विल पे द बिल, जबकि नेटिव कहेगा इट्स ऑन मी। कुछ इंग्लिश के idioms आपको मैं बताता हूँ, विल डिस्कस। लाइक अगर बहुत सारे लोग, आपने न्यूज़ चैनल में हर जगह सुना होगा, लोग कहते हैं कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट लाइक इट, मीनिंग आई डोंट लाइक इट, इट डजेंट इंटरेस्ट मी। प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, वेल द रीडिंग इज माई कप ऑफ टी, वेल प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब कि ये मेरे चाय का प्याला नहीं है, इसका मतलब हो गया कि दिस इज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मीन्स ये वो चीज़ नहीं जिसको मैं लाइक करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, सो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो फर्दर इट्स टू लेट, नॉट इनफ, इसको अगर idiom में कहें तो कहें इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। अगर आप कभी भी सुने, किसी एग्जाम में भी अगर आपके आ जाए, इट अगर एंड द पर्सन सेज इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, या फिर ये भी कह सकते हैं इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत छोटी सी चीज़, बड़ी चीज़ की आवश्यकता लेकिन छोटी सी दे दो, इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। बकेट से याद आए तो एक और idiom आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कहें किक द बकेट, किक द बकेट मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, कोई मर जाए तो कहते हैं ही किक द बकेट। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट मतलब मर जाना। तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, अगर कहें आई हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब मेरे पास और भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं, इससे भी ज़्यादा जो आप मुझे बता रहे हो। आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, आई हैव बिगर फिशेस टू फ्राई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेक और डू का प्रयोग कैसे कर सकते हो? वी यूज़ मेक इन अ सिचुएशन वेयर वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वेल वी यूज़ डू इन अ सिचुएशन वेयर वी आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग दैट इज़ प्लान्ड और हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। लाइक मेक कॉफ़ी, हम कॉफ़ी बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग कॉफ़ी। मेक एन अपॉइंटमेंट, वी आर क्रिएटिंग एन अपॉइंटमेंट। मेक डिनर, वी आर क्रिएटिंग डिनर। मेक अ मिस्टेक, वी आर क्रिएटिंग अ मिस्टेक। मेक अ सजेशन, वी आर क्रिएटिंग अ सजेशन। मेक ए फोन कॉल, वी आर क्रिएटिंग अ फोन कॉल। मेक अ बुकिंग, वी आर क्रिएटिंग अ बुकिंग। मेक अ प्रपोजल, वी आर क्रिएटिंग अ प्रपोजल। अगर मेक का प्रयोग तब उस सिचुएशन में होता है जब हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं,
वाइल डू का प्रयोग तब होता है कि ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको एक्सिक्यूट करना है. लाइक फ्यू एग्जाम्पल, डू योर होमवर्क. होमवर्क ऑलरेडी दिया हुआ, आप उसको कर लीजिए, जो आप उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए. डू द डिशेज, बर्तन मान लीजिए. डू द डिशेज, बर्तन ऑलरेडी पड़े हुए, आप उनको एग्जीक्यूट कर दीजिए, उनको साफ कर दीजिए. डू द डांस, डू योर जॉब. डू अ टास्क, डू एक्सरसाइज. डू योर हेयर, अपने बाल बनाओ, बाल सुधारो. डू एन एग्ज़ाम, अपना एग्ज़ाम लिखो. तो इस तरीके से डू और मेक का प्रयोग बहुत कर सकते हैं. डू का प्रयोग किसी ऑलरेडी प्लान काम का एक्सिक्यूट करने के लिए किया जाता है, जबकि मेक का काम जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं तब किया जा सकता है. अगर वेरी गुड को कितने तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत यार बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड. इसको हम और भी तरीके से कह सकते हैं, यानी वेरी गुड, इट्स ग्रैंड, इट्स वंडरफुल, इट्स एक्सीलेंट, इट्स टैरिफिक, इट्स स्प्लेंडेड, इट्स ग्रेट. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न बिजनेस इंग्लिश में नॉर्मली यूज होता है, वो कहते हैं टॉप नॉच. इट्स अ टॉप नॉच कंपनी, दिस रेस्टोरेंट इज रियली टॉप नॉच. टॉप नॉच, वेरी गुड. TOP-NOTCH, टॉप नॉच. ज़्यादातर आप बिजनेस इंग्लिश जब लर्न करेंगे तो यू विल फाइंड सच वर्ड्स लाइक टॉप नॉच. अब आज से आप ये कभी कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप उसको कभी मत करिए, इट्स वेरी गुड. यू से इट्स टॉप नॉच, इट्स टैरिफिक, इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रैंड, इट्स एक्सीलेंट, इट्स स्प्लेंडेड. तो ऐसे दीज आर द फ्यू वर्ड्स यू नो टू से वेरी गुड. नाउ इफ समथिंग इज टॉल, अदर देन टॉल, वॉट आर द वर्ड्स फॉर द टॉल. टॉल मतलब कोई चीज़ लंबी हो. हाई, स्काई हाई, लॉफ्टी, लैंकी, टावरिंग, लैंकी, रैंगी, लैगी, ये टॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं. कोई चीज़ लंबी है उसको, जैसे स्काई हाई बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होते हैं. स्काई हाई बिल्डिंग्स, ये कोलोकेशन भी हो गया. स्काई हाई बिल्डिंग्स, स्काई हाई, लॉफ्टी, टावरिंग, स्काई हाई, टावरिंग, हाई, लैंकी, रैंगी, लॉफ्टी, लगी, लगी, लैंकी, रैंगी, ये सब वर्ड्स हम टॉप टॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं. लाइक हाई, द फेंस इज टू हाई टू क्लेम वर. लैगी, अ लैगी ब्रूनेट इन ए पार्क डॉटर्स स्कर्ट इवन विग. ब्रूनेट, ब्रूनेट BRUNET, ब्रूनेट क्या कहते हैं पता. ब्रूनेट इज अ लेडी विद ब्राउन आइज. Brown beautiful lady is called brunette. For example, अगर कहा जाए तो कैसे कहोगे. For example, क्योंकि as an illustration, like, such as, for instance, other ways to say small. Small को दूसरे words में कैसे कह सकते. Tiny, petite, mini, weeny, teeny weeny, pygmy, little, slight, minute, small. Tiny, petite, mini, teeny, weeny, pygmy, little, slight, minute, pygmy, teeny, weeny, mini, petite, tiny. ये सारे वर्ड स्मॉल के लिए यूज हो सकते हैं. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. टाइनी, स्मॉल के लिए टाइनी, petite, teeny, weeny, minute, slight, light. इसमें सबसे अच्छे वर्ड्स है, एक petite हो गया, टाइनी हो गया और माइन्यूट हो गया. नॉर्मली जो आपको मिलेंगे, नॉर्मली दीज आर द वर्ड्स यू विल कम अक्रॉस इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और इन योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग मटेरियल. बिकॉज फेमस और स्मार्ट को और हम क्या क्या कह सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. बिकॉज, ड्यू टू, फॉर, सिंस, on account of, as a result, in the light of something, by virtue of something, by virtue of something, because I got this house by virtue of my job, I got this job because of my degrees, I got this job because of my degrees, I got this job by virtue of my job.
यू नो माय वर्च्यू बाय वर्च्यू ऑफ डिग्री बाय वर्च्यू ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ इन लाइट ऑफ बिकॉज ऑफ एज अ रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ सिंस फॉर ड्यू टू ये सब बिकॉज में यूज होता है. अदरवाइज टू से स्मार्ट स्मार्ट को आप क्लेवर कह सकते हैं ब्राइट कहते हैं इंटेलिजेंट ब्रिलियंट सबको पता है ब्रेनी और कैनी इट्स नो बडीज फूल तीन शब्द ऐसे हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होंगे. तो कैनी अगर कोई आपको कहे तो इट मीन्स वो आपको स्मार्ट कह रहा है कैनी ब्रेनी एंड नो बडीज फूल कैनी ब्रेनी नो बडीज फूल इंटेलिजेंट ब्राइट क्लियर ये सब स्मार्ट के लिए यूज होते हैं. फेमस के लिए अगर कोई फेमस है उसको वैसे हम वेल नोन कह सकते हैं वेल नोन नोटेबल रिमार्केबल रिनाउंड फेबल्ड द वन एंड ओनली हाई प्रोफाइल प्रोमाइनेंट फेमस. इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ लाइक वेल नोन रिमार्केबल फेबल्ड द वन एंड ओनली हाई प्रोफाइल प्रोमाइनेंट. जैसे बहुत सारे आपने फंक्शंस में एंकर्स बोलते हैं बहुत सारे स्टार्स बोलते हैं यू नो कि द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण इट्स वेरी हाई प्रोफाइल केस बहुत फेमस केस है प्रोमाइनेंट केस है फेबल्ड केस है ये बहुत. लेट्स टॉक अबाउट द फेबल्ड मूवी डायरेक्टर फेबल्ड मूवी डायरेक्टर फेमस रेनाउन रिमार्केबल नोटेबल वेल नोन हाई प्रोफाइल. फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ वेल नोन नोटेबल रिमार्केबल रेनाउन फेबल द वन एंड ओनली हाई प्रोफाइल प्रोमाइनेंट दीज आर वर्ड्स वी यूज फॉर यू नो फॉर सेइंग समथिंग विच इज फेमस. एंड कुछ आगे अगले वाले लेशन में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ. तब तक के लिए आप इस पॉडकास्ट को लाइक करिए डाउनलोड करिए शेयर करिए और डोंट फर्गेट टू रिपीट दीज वर्ड्स विच आई हैव टोल्ड यू टॉट यू इन दिस पॉडकास्ट. सो फ्रेंड्स नाउ आई वाइंड अप दिस पॉडकास्ट बाई सेइंग प्लीज कीप स्माइलिंग कीप फनिंग स्माइल एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू फॉलो मी डाउनलोड दिस एंड लाइक सब्सक्राइब एंड थम्स अप एंड कीप लर्निंग इंग्लिश एंड प्लीज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नॉलेज हब एंड इफ यू सपोर्ट आई मेक गुड podcast that will make you all help and learn good English. Bye-bye.